सो गाइस यहाँ पे फ्यूल अप हो रहा है, 130 किलोमीटर चला चुका गाइस, वो भी 2 घंटा में। थोड़ा बाद में डिस्कस करेगा उसका, डेट डिस्कस करेगा उसका, ले लद्दाख जाएगा। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। सो केटा हो, कैसे हो आप सब, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब के कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चैनल में KB05 ब्लॉगर। सो गाइस आज हम रात का 3 बजे कहीं जा रहा, आप लोग को बताएगा नहीं अभी कहाँ जा रहा, तो गाइस बने रहिए आज का ब्लॉग में क्योंकि मजा आने वाला, क्योंकि अभी हम 3 बजे रात को घर से निकले और एक ऐसा जगह जा रहा, आप लोग ऐसा आदमी से भी मिलेगा गाइस, बने रहिए ठीक है, सरप्राइज है गाइस। देख सकते गाइस पूरा अंधेरा छाया हुआ है, सारा का सारा अंधेरा है और अभी रात का 3 बज रहा है गाइस, आप मेरा ये बाइक का लाइट देख सकते हैं। तो गाइस अभी हो रहा है रस मॉर्निंग का 3:30 हो रहा है और हम ये हाईवे में बाइक चला रहा है गाइस, कहाँ जा रहा आप लोग को बताएगा, बने रहो यार। A few moments later. सो फाइनली गाइस अभी हम धेमाजी पहुँचे हैं और अभी पूरा अंधेरा गाइस, यहाँ पे लाइटिंग है बोल के थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है, बाइक इधर है गाइस, सो आप लोग देख सकते हैं हम पूरा धेमाजी का मेन टाउन में, अभी फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत ही आगे जा रहा है गाइस, बने रहिएगा मज़ा आ जाएगा, रेनकोट पहना हुआ है क्योंकि बारिश थोड़ा थोड़ा दे रहा है, तो बने रहो गाइस ठीक है। सो गाइस यहाँ पे फ्यूल अप हो रहा है, रात का टाइम है गाइस, एक ही पेट्रोल पम्प मिला यार जहाँ पे पेट्रोल है, सो गाइस अभी यहाँ से निकलेगा, पेट्रोल डाल दिया क्योंकि बहुत डर था कि पेट्रोल नहीं डालेगा तो पहुँचेगा नहीं बोल के, सो गाइस बने रहो ठीक है। थोड़ा थोड़ा उजाला आ रहा है और उस तरफ से थोड़ा सा सनसेट दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा गाइस, अभी हमें सिमेंसरी नदी में और अभी हमको जहाँ जाना और बहुत दूर है गाइस, सो बने रहो यार आज तो मज़ा आने वाला है गाइस। अभी हम पहुँच चुका है लखनपुर पार होके, अभी लालू पूछने वाला है और हम कहाँ जा रहा है अभी भी आप लोगों को बताएगा नहीं गाइस, क्योंकि अभी हम बता देगा तो आप लोग वीडियो की स्किप कर देगा ना, बड़ा हरामी हो बेटा, तो इसलिए हम नहीं बताएगा गाइस। तो गाइस हम निकला है मॉर्निंग का 3 बजे यार, पूरा अंधेरा छाया हुआ था और बारिश बहुत ज़्यादा है इसलिए रेनकोट खोल नहीं पा रहा गाइस, पूरा बहुत ही ज़्यादा बारिश आप लोग देख सकते हैं, हम मेन हाईवे में है अभी और गाइस बहुत ही मज़ा है यार, सुबह सुबह का राइडिंग जो है लगभग मेरा 250 किलोमीटर का राइड होगा आज, मत बोलो यार बहुत ही मज़ा आ रहा है, आवाज़ भी थोड़ा बैठ चुका क्योंकि कंटिन्यूस हम बाइक चला रहे हैं, लखनपुर पार हो गया, अभी लालू पहुँचेगा, उसके बाद हरमोती पहुँचेगा, उसके बाद क्या क्या होता है बने रहिए ठीक है गाइस। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुँच चुके हरमोती और हरमोती में अभी और हरमोती से थोड़ा बाद में निकलेगा गाइस, तो बने रहो ठीक है, आपको हरमोती का नज़ारा दिखाना चाहता है, बारिश पूरा तेज हो रहा है गाइस, ये हरमोती गाइस पूरा बारिश दे रहा है, बारिश में मेरा पूरा हलवा टाइट हो रहा है और इधर मेरा बसंती पूरा मेरा साथ दे रहा है गाइस, एक छोटा सा स्प्लेंडर हमको आज हरमोती तक पहुँचाया है, आज 250 किलोमीटर का ट्रिप होगा गाइस, बने रहो यार कहाँ जा रहा आप लोगों को बताएगा नहीं ठीक है। 130 किलोमीटर चला चुका गाइस, वो भी 2 घंटा में, अभी हम रात का मतलब रात में मॉर्निंग का 3 बजे हम निकला था मेरा घर से और अभी हम हरमोती में और 3 बजा था जब हम घर से निकला था, अभी बज रहा है 5, सो गाइस लमसम 2 घंटा में हम 130 किलोमीटर चला चुका गाइस, मतलब मानना पड़ेगा यार, एक छोटा सा स्प्लेंडर लेके हम मतलब चला सकता बाइक है ना गाइस, बने रहो ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बारिश दे रहा है गाइस यहाँ पे, भयंकर वाला बारिश है एकदम, देख आप लोग देख सकते हैं गाइस क्या भयंकर वाला बारिश दे रहा है, यहाँ पे जा नहीं सक रहा है यहाँ से अभी, तो यहीं पे थोड़ा सा रुक रहा है गाइस, मज़ा आ रहा है यार ये बारिश का मौसम में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है गाइस, दामी दामी ओपी ब्रो कटाओ मज़ा होते सर यार, ये पानी का मौसम में बाइक चला रहा arrivé les petits se sont demandé ce qui se passe oh tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger mais les bodies sont pour danser mais les bodies sont pour bouger bien quand t'as bien à vous danser. A few moments later. So guys finally हम पहुंच चुके हैं कुमार भाई के सामने, मिस्टर पुलानी के सामने, मिस्टर पुलानी, मॉर्निंग मॉर्निंग भाई क्या हाल है ब्रो यार,
लेह लद्दाख जाने के लिए एक्साइटेड है ना ब्रो? ब्रो यार इतना बारिश दे रहा है, लेह लद्दाख कैसे जाएगा बोलो तो यार। तो गाइस आज हम 3 बजे निकलने के इसी कारण हम लोग लेह लद्दाख जा रहा है। आज हम लोग लेह लद्दाख का ट्रिप गाइस बने रहो ठीक है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बारिश था, फिर भी बारिश को फाड़ उड़ के हम पहुंच चुका है कुमार भाई के यहाँ पे। अभी हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेगा उसका, डेट डिस्कस करेगा उसका, लेह लद्दाख जाएगा। उसका पहले कुमार भाई से बातचीत करना चाहते हैं। कुमार भाई लेह लद्दाख के लिए कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है। हाँ तो यार आज हम लोग किसी को बोला नहीं है, फर्स्ट टाइम हम लोग करते हैं जरा अपना ऑडियंस को लेह लद्दाख के लिए। तो गाइस बने रहो ठीक है। तो गाइस आप लोग क्या लेह लद्दाख सच सोच लिया? सच नहीं था गाइस, हम लोग प्रैंक कर रहा था आप लोग से। और तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। खराब मत पाओ गाइस, मेरा ऑडियंस इसलिए थोड़ा प्रैंक कर दिया। हम आया है यहाँ पे हारमोती एक मोबाइल सेल करने, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल मैकेनिक है, तो मोबाइल भी कभी कभी सेकंड हैंड सेल करता है। तो ये मोबाइल कुमार भाई का कोई पार्टनर को चाहिए, तो पार्टनर बोला था, ऑर्डर किया था हमको, तो वो देने के लिए आया। तो कुमार भाई देख लो मोबाइल, एकदम मोबाइल क्या बोलेगा भाई, कैसा है मोबाइल? मोबाइल खोलेगा अभी, खोलेगा एकदम जबरदस्त लग रहा है। मोटरोला का है गाइस, V8 पावर लाइट मोबाइल है, 4GB 64GB। तो गाइस सस्ते में बिक्री किया है भाई ये, तो मां कसम बोला है यार। और गाइस हारमोती आके देना मतलब सिर्फ कुमार भाई के लिए यार। और कुमार भाई मेरा मेहनत को क्या बोलना चाहता है, मेहनत को दाग देना चाहिए हारमोती यार, इतना दूर है, ज्यादा फायदा नहीं होगा बेचारा को। सस्ता में मोबाइल देता, अभी इतना दूर से कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए है यार। अच्छा हमको सिखा रही है, मां कसम मानते हैं। और एक चीज पूछना चाहता है। हाँ बोलिए। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है दोस्त? पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में पैसा नहीं होने से आपको कोई भी पूछता नहीं है, इसलिए पैसा कमाओ, वही बोलता है भाई। पैसा ही सब कुछ है, और भी कुछ कुछ है जो लाइफ में, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज एक मोबाइल सेल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा यार, पैसा कमने बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता। इसीलिए हम आज सिलापत्थर से हारमोती एक मोबाइल देने के लिए आया कुमार भाई को। तो गाइस अभी हम भी यहाँ से निकले, क्योंकि बारिश बहुत तेज है। और कुमार भाई को भी थैंक यू बोलना चाहता है कि इतना दूर तक आया कुमार भाई बारिश में भीग भीग के। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, हम भी यहाँ से निकले क्योंकि घर भी जाना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग गाइस इतना मैं एंड करना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो गाइस तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 1K का बहुत करीब है। तो गाइस तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, जय हिंद जय गोरखा, जय गोरखा, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में।